हेलो एवरीवन दिस इज़ दीपिका वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और आज हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ रोल ऑफ लेजिस्लेचर इन मॉडर्न डेमोक्रेसी तो ये क्वेश्चन क्यों इम्पॉ ये टॉपिक क्यों इम्पॉर्टेंट है कि जैसे आप देख रहे हो कि लॉट्स ऑफ क्वेश्चन हैज़ बीन आज फ्रॉम दिस टॉपिक आपके प्रीवियस ईयर से मैंने ये सारे क्वेश्चन लिए हैं तो इससे आपको ये पता चल रहा होगा कि ये जो टॉपिक है कितना इम्पॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से राइट तो नेक्स्ट नेक्स्ट चीज़ मैं बता दूं आपको कि आज के वीडियो में हम क्या क्या डायमेंशन कवर करेंगे इस टॉपिक से उसका एक ओवरव्यू दे दूं मैं पहले तो पहले हम लेजिस्लेचर की थोड़ी बहुत मीनिंग और बैकग्राउंड समझने की कोशिश करेंगे फिर टाइप ऑफ लेजिस्लेचर में हम डिस्कस करेंगे कि जैसे बाई कैमरा लेजिस्चर यूनिकैमरल लेजिस्लेचर देन मेजर फंक्शन क्या हैं जो लेजिस्लेटिव ऑर्गन जो थ्री ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट है ना तो उसमें लेजिस्लेचर किस तरीके के फंक्शन परफॉर्म करती है और जब एक बार हमें फंक्शंस की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी तो हम बेटर एनालाइज कर पाएंगे कि लेजिस्लेचर का मॉडर्न डेमोक्रेसी में रोल क्या है फिर इसके बाद देखेंगे कि जब ये अपना रोल परफॉर्म करते हैं तो किस तरीके की लिमिटेशंस होती हैं सी किसी भी ऑर्गन्स को तो ऑब्सिल्यूट पावर नहीं होगी ना कुछ लिमिटेशंस होंगी जैसे कि सेपरेशन ऑफ पावर रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशंस ये लिमिटेशंस होती हैं लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑर्गन्स में तो ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे देन हम ये देखेंगे कि अभी मॉडर्न टाइम पे अभी कॉन्टेम्प्रेरी टाइम पे प्रेजेंट टाइम पे ये बात चलती है कि जो लेजिस्लेचर uh, है अपनी इम्पोर्टेंस कहीं ना कहीं खो रहा है राइट right? इसका जो रोल है एक इफेक्टिव एक रोल कहीं ना कहीं कम हो रहा है डिक्रीज हो रहा है तो ये क्यों हो रहा है क्या फैक्टर्स हैं इसके ये देखेंगे और जब इतनी सारी हमें शॉर्टकमिंग्स या इसका जो इम्पोर्टेंस है वो कम हो रहा है तो ये कंसर्न का विषय है दिस इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न राइट क्योंकि डेमोक्रेसी में लेजिस्लेचर की बहुत बड़ी इम्पॉर्टेंस है तो नेक्स्ट फिर हम देखेंगे कि क्या किया जा सकता है या क्या स्टेप्स लिए जाने चाहिए एज अ सजेशन हम देंगे कि जो जो रोल है लेजिस्लेचर uh, का वो डेमोक्रेसी में हम फिर से स्ट्रेंथन कर सकें उसे इफेक्टिव बना सकें और जो रेलेवेंस है लेजिस्लेचर के उसे हम फिर से इस्टेब्लिश कर सकें और अपने आंसर को इस तरीके से कंक्लूड करेंगे तो इत ये सारे डायमेंशन आपको आज के डिस्कशन में पता चलेंगे और मुझे लगता है मोर देन इनफ रहेगा आपके आंसर राइटिंग के लिए ओके okay? तो वीडियो में डिटेल में जाने के पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू गाइस कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है और आपको हेल्पफुल हो रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब डेमोक्रेसी uh, में आपको जैसे कि पता है कि थ्री इंपॉर्टेंट ऑर्गन होते हैं आपके गवर्नमेंट के राइट right? क्या क्या होते हैं वो एग्जीक्यूटिव लेजिसलेचर एंड जुडिशरी और जो जो लेजिस्लेचर है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्यों इम्पॉर्टेंट है क्योंकि लेजिस्लेचर एक असेंबली होती है एक बॉडी होती है किन पी और इसमें कौन से पीपल्स इन्वॉल्व होते हैं वो जो हम जनता जो आम पब्लिक है वो इलेक्शन के थ्रू उन्हें इलेक्ट uh, करके एज अ रिप्रेजेंटेटिव इस जगह भेजती है तो लेजिस्लेचर क्या है इट इज़ द असेंबली ऑफ़ आवर रिप्रेजेंटेटिव्स राइट अब जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो वहाँ पर बैठ के जो जो ऑर्डरनी सिटीजन्स हैं उनकी विल को रिप्रेजेंट करेंगे भाई जब हम अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से अपना एमपी और अपना एमएलए चुनकर भेजेंगे तो वो उस कॉन्स्टिट्यूएंसीज की जो एस्पिरेशंस होंगी जो जो डिज़ायर्स होंगे जो एम्बिशंस होंगे जो नीड्स होंगी जो इंटरेस्ट होंगे वो लेकर कहाँ पर प्रजेंट करेगा ऑन दी बिहाफ ऑफ द पीपल ऑफ़ दैट कॉन्स्टिट्यूएंसी कहाँ पर लेजिस्लेचर में तो ये असेंबली बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पीपल्स की विल रिप्रेजेंट हो है इस असेंबली के थ्रू और ये असेंबली आपस में काम करते हैं और आ, इस जो पीपल्स विल को ट्रांसफॉर्म करते हैं इन टू लॉ अब एक एग्जाम्पल ले लें कि फॉर एग्जाम्पल हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में किसकी प्रॉब्लम है ड्रिंकिंग वाटर की प्रॉब्लम है सैनिटेशन की प्रॉब्लम है राइट right? इस जिसकी वजह से बहुत सारे हेल्थ इश्यूज होते हैं तो आपका आप अपने जिस रिप्रेजेंटेटिव को भेजेंगे इस लेजिस्लेचर में असेंबली में तो वो क्या करेगा आपके इस मैटर को वहाँ पर रेज करेगा और वो पब्लिक इम्पॉर्टेंस का मैटर है डिबेट होगा तो उससे रिलेटेड एक लॉ बनाया जाएगा कि गवर्नमेंट 24 फ़ोर इंटू सेवन ड्रिंकिंग वाटर सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करे उस एरिया में राइट right, तो ये लॉ तो विल ऑफ द पीपल को लॉ में कन्वर्ट कर दिया इसी तरीके से आपके एरिया में मान लीजिए कोई पब्लिक स्कूल नहीं है गवर्नमेंट स्कूल तो एजुकेशन नहीं हो पाती लोगों को 20-20 किलोमीटर -20 जाना पड़ता है रिवर क्रॉस करके एजुकेशन के लिए जाना पड़ता है तो आपने इस कंसर्न को उठाया और जो आपका लीडर होगा कैंडिडेट होगा वो बोलेगा आप हमें इलेक्ट करो और हम इसके लिए कुछ काम करेंगे लॉ बनवाएंगे तो आपने उसे इलेक्ट किया फिर वो पर्सन लेजिस्लेचर में जाएगा और आपके इस मैटर को कंसर्न को वहाँ पर रेस करेंगे और वो पब्लिक इम्पॉर्टेंस का मैटर है तो इस उस पर एक लॉ बनाया जाएगा और एक पब्लिक स्कूल आपके यहाँ पास किया जाएगा तो इस तरीके से लेजिस्लेचर काम करता है तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई तो आपने बहुत अगर लोकसभा एंड राज्यसभा टीवी जैसे आप संसद टीवी हो गई है आपने देखे होंगे तो ऐसे डिबेट्स देखे होंगे राइट कि हमारे पार्लियामेंट में सी लेजिस्लेचर को पार्लियामेंट भी कहते हैं राइट तो अगर ये नाम एक्सचेंज करके यूज़ किया जाए तो कंफ्यूज मत होना राइट तो लेजिस्लेचर में जो हमारी इंडिया इंडियन पार्लियामेंट है उसमें इस तरीके के डिबेट एंड डिस्कशंस चलते रहते हैं राइट तो अब आते हैं हम लेजिस्लेचर का जो मीनिंग समझने के लिए जो आप अपने आंसर राइटिंग में मेंशन करेंगे तो लेजिस्लेचर क्या है लॉ मेकिंग ब्रांच है जैसे कि हमने यहाँ पर देखा कि डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट के थ्री मोस्ट इम्पॉर्टेंट ब्रांच होती हैं एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी तो जो लेजिस्लेचर है वो लॉ मेकिंग ब्रांच है जो एग्जीक्यूटिव है इन लॉ को इम्प्लीमेंट करती है एग्जीक्यूट करती है जो जुडिशरी है वो जस्टिस को सेफ गार्ड करती है राइट right? तो लेजिस्लेचर जो है ये किस टर्म से बना हुआ है सो लेग मीन्स लॉ एंड द लेचर मीन्स प्लेस एस लेजिस्लेचर वो जगह है जहाँ पर लॉ बनाए जाते हैं लॉ फॉर्मुलेट किए जाते हैं ओके okay. अब लेजिस्लेचर का सिनोनिम्स होता है पार्लियामेंट लोग कई बार इसको एक्सचेंज करके इस टर्म को यूज़ करते हैं इंटरचेंज कर देते हैं सो लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट इज़ द ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट जो किस तरीके का फंक्शन परफॉर्म कर रही है लॉ मेकिंग थ्रू द डेलीबरेशन डेलीबरेशन मतलब डिस्कशन डिबेट के थ्रू ओके okay? और इस तरीके से लेजिस्लेचर एक एजेंसी है जो रिस्पॉन्सिबल है विल ऑफ द स्टेट या विल ऑफ़ द पीपल को फॉर्मुलेट करने में तो ये बेसिक मीनिंग हो गई डेफिनेशन हो गई जो आप मेंशन करेंगे ओके okay? अब लेजिसटिव जो बॉडी है हर एक कंट्री में डिफरेंट मीनिंग हो सकती है इसकी राइट right? जो लेजिस्लेचर के नेम्स हैं ना वो हर एक कंट्री में हो सकते हैं अलग हो जाए राइट बट लेजिस्लेचर जो उसका फंक्शन है रोल है वो लेजिस्टिव बॉडी का ही रहेगा इसको अलग अलग नाम से बुलाया ज़रूर जा सकता है जैसे कि यू में हम इसे पार्लियामेंट कहते हैं इंडिया में भी हम इसे पार्लियामेंट कहते हैं क्योंकि हमने यू से सॉरी uh, यू से पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एडोप्ट की है देन यू में लेजिस्लेचर को कांग्रेस कहते हैं राइट इस और और भी मुझे नाम अगर आपको याद आ रहे हो तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि जैसे जापान में लेजिस्लेचर का क्या नाम है इज़राइल में क्या नाम है राइट ये पूछे जाते हैं एग्ज़ाम्स में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं तो जापान और इसराइल का मुझे आप कॉमेंट करना कि क्या नाम है वहाँ की लेजिस्लेचर का देन जो लेजिलेटिव बॉडी है नाम अलग अलग हो गए हमने ये देख लिया हर कंट्रीज़ में अब जो लेजिस्लेचर की पावर है जो ज्यूरिडिक्शंस है ना वो भी हर नेशन में अलग अलग है हर कंट्री का अपना अलग है जैसे एक एग्जांपल दे दें तो आप आ, जब वहाँ का देख यू पार्लिय, की पार्लियामेंट्री सिस्टम देखेंगे यू के पॉलिटिकल सिस्टम में तो यू की जो लेजिस्टिव बॉडी है जो पार्लियामेंट है बहुत स्ट्रॉन्ग है क्योंकि पार्लियामेंट्री सवरानिटी का कॉन्सेप्ट है वहाँ पर पार्लियामेंट्री जो भी लॉ बना देगी वो सुप्रीम हो जाएगा क्योंकि वहाँ पर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है राइट इंडिया में क्या सुप्रीम है हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है तो उससे कम पावर हो जाती है लेजिस्लेटिव बॉडी को जो इंडियन पार्लियामेंट है क्योंकि जुडिशियल रिव्यू भी लगता है फिर कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोसीजर के आधार पर ही लेजिस्लेचर को काम करना होगा यूएस में आप देखोगे तो वहाँ की कांग्रेस वहाँ पे प्रेसिडेंशियल सिस्टम है तो प्रेसिडेंट जो एग्जीक्यूटिव है उसके पास भी बहुत ज़्यादा पावर है राइट तो वहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर एग्जैक्ट मैनर में होता है लागू होता है कि लेजिस्लेचर की अपनी अपनी पावर्स जीरोडिक्शन्स हैं और जो आपका एग्जीक्यूटिव है उसकी अपनी पावर एंड जरूडिक्शंस हैं तो पावर ऑफ लेजिस्लेटिव बॉडी बॉडी जो है वो स्ट्रॉन्ग भी हो सकती है वीक भी हो सकती है जैसे हमने अभी एग्जाम्पल के साथ डिस्कस की है राइट right. तो so, ये आप मेंशन करोगे तो so, ये बैकग्राउंड अब क्या लेजिस्लेचर के टाइप्स भी होते हैं क्या तो यस देर आर बेसिकली मेजर टू टाइप्स हो गए लेजिस्लेचर के एक बाई कैमरल लेजिसलेचर एंड यूनी कैमरल लेजिस्लेचर बाई कैमरल का यहाँ पे मतलब है कि दो हाउसेस होना बाई मतलब टू कैमरल मीन्स हाउस ये दिस इज़ द सिंपल ब्रेक डाउन ऑफ दिस टर्म तो बाई कैमरल में टू हाउसेस होते हैं जैसे इंडियन पार्लियामेंट की जो है उसके बाई कैमरल इन नेचर है तो टू हाउसेज हैं लोकसभा एंड राज्यसभा ओके इसी तरीके से आप और भी एग्जाम्पल्स ले लें हम तो जैसे हम ब्रिटिश पार्लियामेंट का लें तो ये इसके भी ये बाई कैमरल है तो इसके दो हाउसेज हैं हाउस ऑफ कॉमन एंड हाउस ऑफ लॉर्ड्स देन अमेरिकन कांग्रेस का अगर डिस्क, आ, बात करें तो इस ये भी बाई कैमरल है तो दो हाउसेज हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एंड द सेनेट राइट right. इसी तरीके तो बाई कैमरल समझ में आया यूनी कैमरल मतलब एक हाउस होता है सिंगल हाउस या सिंगल चैम्बर यूनी मीन सिंगल कुछ एग्जाम्पल्स हैं जैसे चाइना न्यूजीलैंड अच्छा मुझे चाइना के की भी जो लेजिस्टिव बॉडी है जो लेजिस्चर उसे किस नाम से जानते हैं मुझे कमेंट करके बताना राइट right? ओके देन जिम बॉम्बे टर्की पुर्तगाल ये कुछ ऐसे स्टेट हैं जहाँ पर यूनिकैमरल सिस्टम है एक सिंगल हाउस एक सिंगल चैम्बर प्रेजेंट है अब इसके अपने अलग अलग प्रोज एंड कॉन्स हैं ना बैक कैमरल हाउस के क्या पॉजिटिव थिंग्स हैं क्या मेरिट्स हैं क्या डी मेरिट्स हैं यूनिक कैमरल हाउस के क्या मेरिट्स एंड डी मेरिट्स हैं ये एक डिफरेंट टॉपिक है फिर कभी डिटेल में इस पर हम दूसरा वीडियो बना लेंगे ओके okay. यहाँ आपके लिए इतनी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है देन अब अगर आपको इसके टाइप्स और बेसिक अंडरस्टैंडिंग मीनिंग समझ आ गई तो हम मेज़र फंक्शन की बात करते हैं सी दीज आर दी मेज़र फंक्शंस इट डजेंट मीन दैट कि दीज आर द ओनली फंक्शन ऐसा कुछ भी नहीं है दीज आर दी मेज़र फंक्शंस क्योंकि लेजिस्लेचर एज अ बॉडी बहुत सारे फंक्शंस मतलब बहुत सारे पावर बहुत सारे रोल प्ले करती है अब हर एक किसी को नहीं हम मेंशन कर सकते तो हम मेज़र फंक्शन को डिस्कस करते हैं तो पावर एंड फंक्शन जो है लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स के कंट्री टू कंट्री डिफरेंट होते हैं डिफर करते हैं जैसे ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया ना कि कहीं पे लेजिस्टिव बॉडी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है कहीं पर वीक है जैसे कि यूनाइटेड स्टेट में पार्लियामेंट्री सवरेंट का कॉन्सेप्ट है तो वहाँ पर पार्लियामेंट बहुत ही स्ट्रॉन्ग है बहुत पावरफुल है इसके उल्टा जब आप यू में देखोगे तो पार्लियामेंटी पार्लियामेंट में बहुत सारे लिमिटेशन हैं जैसे सेप्रेशन ऑफ पावर को का कॉन्स्टिट्यूशन का राइट कंट्री टू कंट्री डिफर करता है कि लेजिसलेटिव ऑर्गन्स के क्या पावर क्या फंक्शन होंगे तो यहाँ पर हम मेज़र कुछ कॉमन फंक्शन डिस्कस करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट इट इज़ अ लॉ मेकिंग बॉडी तो लॉ मेकिंग फंक्शन परफॉर्म करती है लेजिसलेटि बॉडी देन डिलिबरेटिव फंक्शंस मतलब डिलिब्रेशन होना डिस्कशन होना डिबेट होना कुछ पब्लिक इम्पॉर्टेंस के मैटर पे तो यहाँ से फिर टॉपिक इश्यूज निकल कर आएगा कि अच्छा जैसे मान लीजिए वोमेन सिक्योरिटी राइट वोमेन सिक्योरिटी एक इम्पॉटेंट इशू है इस पर डेलीबरेशन होता है पार्लियामेंट में जो हमारी लेजिस्टिव बॉडी है कि हाँ ये वोमेन सिक्योरिटी आजकल बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा हो गया है राइट तो अब हमें इस पर लॉ बनाने की ज़रूरत है तो जब डिस्कशन होगा इसकी इम्पॉर्टेंस समझ में आएगी तो इस पर लॉ बनेंगे एक्शन लिए जाएंगे दिन कस्टोडियन है नेशनल फाइनेंस का आपने देखा होगा कि पार्लियामेंट बजट सेशन होता है बजट पास करती है इंडिया में आपने बजट सेशन देखा होगा कि किस तरीके से पार्लियामेंट बजट को पास कर रही है बजट के डिफरेंट एस्पेक्ट पे वहाँ डिस्कशन हो रहा है वेरियस पार्लियामेंट्री कमेटीज़ हैं जैसे कि पब्लिक अकाउंट कमेटी पब्लिक अंडरस्टैंडिंग जो अंडरटेकिंग्स पे है देन एस्टिमेट कमेटी जो बजट के डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे काम करते हैं तो नेशनल फाइनेंस का कस्टोडियन हो गया देन फिर इसके बाद से जो हमारी एग्जीक्यूटिव होती है उसको अकाउंटेबल रखने में भी हेल्प करती है राइट तो जैसे इंडिया में आपने देखा होगा कि जब कोई जैसे अभी एक मुद्दा चला था कोविड नाइन्टीन के टाइम पे की जो एक पी केयर फंड बनाया गया था ना जिसमें डोनेशन दिए गए थे कोविड के टाइम पे, तो हम अब बहुत सारे आम पब्लिक ने उसमें डोनेशन दिया तो उसको आरटीआई के दायरे से बाहर रखा गया तो इसमें से क्वेश्चंस जो हमारे लेजिस्लेट जो लेजिस्लेटिव बॉडी के असेंबली के मेंबर्स थे उन्होंने क्वेश्चन किया कि एक एग्जीक्यूटिव को अकाउंटेबल होल्ड करने के लिए भाई कि ये जो पीएम केयर फंड का पैसे हैं वो उसको आरटीआई से बाहर क्यों रखा गया है या इस फंड का यूटिलाइजेशन कहाँ हो रहा है किस तरीके से हो रहा है इसकी डिटेल दीजिए राइट तो इस तरीके से जो हमारी लेजिस्लेटिव बॉडी है लेजिस्लेटिव मेंबर्स होते हैं वो एग्जीक्यूटिव को क्या करते हैं आपके अकाउंटेबल आप, रखते हैं ट्रांसपेरेंसी रख, मेंटेन करते हैं देन पब्लिक इम्पोर्टेंस के जो इश्यूज होते हैं उनको हाईलाइट करते हैं और इसकी बहुत सारी मैकेनिज्म्स हैं वन ऑफ द मैकेनिज्म इज़ द एडजर्नमेंट मोशन और इस एडजर्नमेंट मोशन के थ्रू पब्लिक इम्पोर्टेंस के मैटर को डिबेट में लाया जाता है ओके देन अमेंडिंग पावर्स कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना है उससे रिलेटेड पावर्स होती हैं इंफॉर्मेशनल रोल्स कि गवर्नमेंट या एग्जीक्यूटिव से या वेरियस जो इंफॉर्मेशन है ट्रिटीज़ की तो उसको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाए ताकि आम पब्लिक तक वो इंफॉर्मेशन जा सके देन इलेक्टोरल रोल्स कुछ कुछ कमेटीज़ को इलेक्ट करना जैसे इंडियन पार्लियामेंट में आप देखोगे कि ये जो हमारे लजिसलेटिव मेम्बर्स होते हैं ये प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं तो ये इलेक्टोरल पावर्स होती हैं तो ये कुछ मेजर फंक्शन हैं तो अगर इन्हें हम समराइज़ करें इन फंक्शंस को जो हमने डिस्कस किया अभी तो हम कह सकते हैं कि जो लेजिस्टिव है इसके पास पावर्स हैं जैसे कि लॉ को पास करना गवर्नमेंट बजट को पास करना देन कई सारे एग्जीक्यूटिव अपॉइंटमेंट्स करना फिर जो ट्रटीज़ होती हैं इंटरनेशनल ट्रटीज़ हो गई जैसे यूनाइटेड नेशन की या कोई इंटरनेशनल लॉ हो गया उसको रेटिफाई करना अप्रूव करना बेसिकली देन एक्जीक्यूटिव पे इन्वेस्टिगेट करना क्वेश्चन करना ताकि अकाउंटेबल रखा जा सके देन इम्पीच या रिमूविंग ऑफ द ऑफिसज़ जैसे इम्पीचमेंट प्रेसिडेंट का हो गया जजेस का रिमूव रिमूव करना तो ये सारी चीज़ें ये मेज़र फंक्शन हो गए जो हमने समराइज़ किए अभी तो अगर अब फंक्शन हमने देखा कि कितने इम्पॉर्टेंट फंक्शन ये हमारी लेजिलेटिव बॉडी कर रही है कितने इम्पॉर्टेंट ड्यूटीज़ को डिस्चार्ज कर रही है तो इससे आपको ये समझ में आया होगा कि भाई नहीं जो ये लेजिसटिव बॉडी है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है डेमोक्रेसी में तो किस तरीके का रोल प्ले कर रही है कि आपने जैसे ऑलरेडी देखा कि जो जो लेजिस्लेचर है इसके एक स्पेशल और इम्पॉर्टेंट पोजीशन है हर एक डेमोक्रेटिक स्टेट में ड्यू टू ड्यू टू काइंड ऑफ फंक्शन इट परफॉर्म्स जिस तरीके के फंक्शंस जिस तरीके की ड्यूटीज़ प्ले परफॉर्म करती है हमारी लेजिस्लेचर और ऑलरेडी मैंने बताया कि जो हमारी असम्बली है इसमें इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं जो नेशनल पब्लिक ओपिनियन या जो विल ऑफ द पीपल है उसको रिप्रेजेंट करते हैं तो पहला तो फॉर्मूलेशन ऑफ द इफ़ीशियंट लॉ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जुडिशरी का इफ़िशेंट लॉ का मतलब रेलिवेंट होना चाहिए राइट आउटडेटेड लॉज नहीं होने चाहिए अब जैसे ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी में हमें बहुत सारे रेलिवेंट लॉज की ज़रूरत है जो डिमांड करती है जैसे क्रिप्टो करेंसीज़ मान लीजिए कि जो जो ये डिजिटल करेंसी चल रहा है क्रिप्टो करेंसी चल रहा है गवर्नमेंट इसमें कोई लॉ लेकर आए ताकि इसको रेगुलेट किया जा सके इन्वेस्टमेंट को रेगुलेट किया जा सके राइट इसी तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में डिजिटल एजुकेशन को रेगुलेट किया जा सके राइट right? या जो ऑनलाइन बिजनेसेस चल रहे हैं पहले तो ऑनलाइन बिजनेसेस नहीं होते थे अभी जो डिजिटल मार्केटिंग ऑनलाइन एजुकेशन चल रही है उसको रेगुलेट किया जाए तो ये जो रेलिवेंट लॉ है ना जो एफिसंट लॉ है इस पर लॉ फॉर्मुलेट करना इसके जैसे साइबर क्राइम का आप, ये सारी एग्जाम्पल्स हैं गाइस आप नोट डाउन जरूर करना और ये एग्जाम्पल्स अपने आंसर में जरूर मैंशन करना राइट right. अब मैं हर एक एग्जाम्पल को आपको नोट्स में नहीं लिख सकती इसलिए मैं बस डिस्कशन में मेंशन कर देती हूँ ताकि आपको आइडिया मिल जाए कि हमें किस तरीके के एग्ज़ाम्पल्स को यूज़ करना है एग्ज़ाम्पल्स यूज़ करने के बहुत सारे फायदे हैं और आपके आंसर में वैल्यू एडिशन होता है ट्रस्ट मी गाइज अर आप इसे करके देखना आपको मार्क्स मिलेंगे मतलब मैंने खुद पर्सनली किया हुआ है और मुझे इस पर मार्क्स मिलते रहे हैं इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ तो जैसे कि इफ़िशेंट लॉ में हमने मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स आपको दिया क्रिप्टो करेंसी यूज़ कर सकते हो ये रेलोवेंट हैं जो डिबेट में रहते हैं राइट इसके बाद डिजिटल जो हेल्थ है जो हेल्थ है जैसे उसका रिकॉर्ड मेंटेन होना चाहिए कोविड नाइन्टीन के टाइम पे बहुत ज़्यादा ये न्यूज़ पे रहा देन इसके बाद से जो ऑनलाइन बिजनेसेस हैं जो ट्रांजेक्शनस हैं डिजिटल पेमेंट है इसको रेगुलेट किया जाए ताकि फ्रॉड को रोका जा सके फिर साइबर क्राइम जिस तरीके से हम हम टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहा है और हम आ, हम लोग टेक्नोलॉजी इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं तो साइबर क्राइम भी तो बढ़ रहा है साइबर जो फ्रॉड है वो भी तो बढ़ रहे हैं ना तो उसको भी रेगुलेट किए जाना इसके इसके लिए लॉ होना उसके अगेंस्ट में पनिशमेंट होना मतलब स्ट्रिक्ट पनिशमेंट होना तो ये सारी चीज़ें आप देखोगे कि ये रेलेवेंट लॉ हैं और ये एग्जांपल्स देना आप कि ग, ग, कि इससे ये पता चलेगा ना कि लेजिस्लेचर का रोल कितना इम्पॉर्टेंट है देन नेक्स्ट रोल कहाँ होता है कि स्क्रूटिनाइज करना लेजिस्लेशन का अब एग्जीक्यूटिव कोई लॉ लाती है फ़ॉर एग्ज़ाम्पल फॉर एग्जांपल फॉर एग्जांपल मान लीजिए क्रिप्टो करेंसी का जब बिल लेकर आया गया था उस पर डिस्कशन चला था कुछ थोड़ा बहुत कि हाँ इस पर लॉ कैसे बनाया जाए क्या होना चाहिए तो स्क्रूटिनाइज करना कि स्क्रूटिनाइज में वो सारे इसकी शॉर्टकमिंग्स देखना कि कहाँ पर ये बिल अभी भी लैक कर रहा है कौन सी डायमेंशन हैं जो इसमें इंक्लूडेड नहीं है वो भी इंक्लूड होनी चाहिए ऐसे राइट देन अकाउंटेबिलिटी गवर्नमेंट या एग्जीक्यूटिव के अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करना अब इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो एग्जीक्यूटिव है उसकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके प्रति है लोकसभा के प्रति मतलब आंसरेबल है लोकसभा को एग्जीक्यूटिव जो भी स्टेप्स लेगी जो भी एक्टिविटीज लेगी तो ये अकाउंटेबिलिटी मेंटेन करने की जिम्मेदारी किसकी है हमारे लेजिस्लेचर की है ऐसा नहीं है कि एग्जीक्यूटिव के पास क्योंकि पावर बहुत ज़्यादा होती है एग्जीक्यूटिव के पास फंड है तो आर्बिट्री मैनर्स में अपनी पावर का यूज़ ना करें तभी आप देखोगे कि क्रिटिसाइज़ किया जाता है जब लोकसभा राज्यसभा में डिस्कशन होता है डिबेट होती है राइट देन पार्टिसिपेशन इन द डिस्कशन तो लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स हैं वो डिस्कशन में पार्टिसिपेट करते हैं और डिस्कशन क्या करेंगे जो सिटीजन्स या पब्लिक इम्पोर्टेंस के मैटर चल रहे होते हैं वो जैसे फॉर एग्जांपल अभी इन्वामेंट के बारे में लोग बहुत सेंसिटिव हो रहे हैं तो इन्वायमेंट इम्पैक्ट जो असेसमेंट होता है उसको स्ट्रिक्ट बनाया जाए ये लोगों की डिमांड है देन कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करना गवर्नमेंट का तो गवर्नमेंट जब पॉलिसीज और स्कीम्स करती है ना तो यहां पर कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म सी मैंने सिर्फ कंस्ट्रक्टिव वर्ड क्यों आगे लगाया है क्रिटिसिज्म सिर्फ नाम का नहीं होना चाहिए कि हम अपोजिशन में हैं तो बस गवर्नमेंट को हम क्रिटिसाइज़ करेंगे दिस शुड बी कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कि हाँ आप ये गवर्नमेंट गलत कर रही है और एक हेल्दी कम्युनिकेशन हेल्दी कन्वर्सेशन होना चाहिए कि इसकी जगह ये किया जाना चाहिए राइट right? भाई सिर्फ डिफेम करने और क्रिटिसाइज़ करने से नहीं होगा आप उसको ऑल्टरनेटिव लाइए उसको सोल्यूशन प्रोवाइड करिए सजेशंस प्रोवाइड करिए राइट देन जो पीपल्स uh, के इंटरेस्ट हैं नीड्स हैं ओपिनियन है उसको ये देखना चेक करना कि हाँ लेजिसटिव जो असेंबली है जो पार्लियामेंट है वो इन पब्लिक इम्पोर्टेंस के मुद्दों को इंक्लूड कर रही है डिबेट और डिस्कशन में कि नहीं ओके okay? तो ये सारी चीज़ें तो रोल कितना इम्पॉर्टेंट है डेमोक्रेटिक स्टेट में ये हमें यहाँ से आइडिया लग गया अब भाई लिमिटेशंस क्या हैं भाई एक दायरा है ना जो ये थ्री एक ऑर्गन्स गवर्नमेंट है एग्जीक्यूटिव लेजि जुडिशरी इनका एक अपना दायरा है राइट right? कि एक मतलब जिसे हम जुरोडिक्शन कहते हैं तो ऑर्गन्स के भी अपना एक जुरोडिक्शन है लेजिसलेटि ऑर्गन का एक दायरा है लिमिटेशन है और ये लिमिटेशन कहाँ कहाँ से सेट होती हैं ये देखते हैं पहला तो कि जो ये थ्योरी है ना सेपोरेशन ऑफ पावर सेपरेशन ऑफ पावर में ये कि जो थ्री ब्रांचेज हैं गवर्नमेंट की ये इनके अपने अपने जुरिडिक्शन हैं वो और दूसरा कोई दूसरे के जुरिडिक्शन में इनक्रोच नहीं करेगा दिस इज़ द लिमिटेशन फर्स्ट तो जैसे कि आप देखोगे कि एग्जीक्यूटिव एंड जो लेजिस्लेचर है एंड इवन जुडिशरी तो जैसे लेजिसलेचर जब कोई लॉ बनाती है या एग्जीक्यूटिव पर क्वेश्चन करती है ना तो एग्जीक्यूटिव क्या कहेगा कि भाई लेजिस्टिव जो बॉडी है हमारे जुरिडिक्शन में इंक्रोच कर रही है राइट और जबकि लेजिस्टिव तो एकाउंटेबिलिटी के लिए क्वेश्चन पूछेगी क्योंकि इसकी जिम्मेदारी है इन्हें अकाउंटेबल रखना तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स आती रहती हैं देन रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन एक लिमिटेशन है अब ये जो लेजिस्टिव बॉडी है जो रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन्स हैं प्रोसीजर्स हैं उन्हीं को फॉलो करके ही बनाया जा सकता है जैसे कि कोई बिल अगर स्पेशल मेजोरिटी टू थर्ड मेजोरिटी से पास होना है तो होना है दिस इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन्स अब इसको फॉलो करना पड़ेगा वो कितना भी पब्लिक इम्पॉर्टेंट का मैटर क्यों ना हो अब इसी तरीके से जैसे एक मुद्दा यहाँ पे एक एग्जाम्पल आप दे सकते हो रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन में कि फॉर एग्ज़ाम्पल वुमेन को रिप्रेजेंटेशन देना है लेजिसलेटि बॉडीज़ में तो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन देना है थर्टी थ्री परसेंट वोमेन रिजर्वेशन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में जैसे कि हमारे एग्ज़ाम्स में रहता है ना कि थर्टी थ्री परसेंट रिज़र्वेशन है वुमेन को तो पार्लियामेंट्री उसमें कि हर जो थर्टी थ्री परसेंट सीट्स हैं वो फीमेल को रिज़र्व हैं तो ये बिल अभी तक पास नहीं किया जा सका है हमारे आ, पार्लियामेंट में क्योंकि इसके लिए मेजोरिटी चाहिए अब अब लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं मेजोरिटी नहीं आ रही है तो पास नहीं हो रहा है बिल राइट जबकि कितना इम्पोर्टेंट मैटर है ये अगर आप वुमेन इक्वालिटी वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हो तो ये एग्जाम्पल्स देकर आप अपने स्टेटमेंट को आप एक्सप्लेन करना राइट देन जुडिशियल रिव्यू अब जुडिशियल रिव्यू एक लिमिटेशन है जहाँ पे जुडिशरी कह देती है कि भाई जो लेजिस्लेचर बिल लेकर आई है एक्ट बना रही है ये एज़ पर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न नहीं है तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो इस तरीके का लॉ खत्म हो जाएगा वहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल जो हमेशा मैं यूज़ करती हूँ जो रिसेंट रहा है अभी जो इस ये जिसमें ये जुडिशल रिव्यू यूज़ किया गया है दैट इज़ अ नेशनल जुडिशल अपॉइंटमेंट कमीशन एन के नाम से है तो इसको क्या किया था जुडिशरी ने कहा था ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है क्योंकि सेपरेशन ऑफ पावर के अगेंस्ट में जा रहा है जबकि सबको पता है कि ये बिल कितना इम्पॉर्टेंट था जुडिशरी में कितना ज़्यादा मतलब नॉन ट्रांसपेरेंसी रहती है राइट कि, कि किस तरीके से वहाँ पे जजेस को अपॉइंटमेंट किया जा रहा है किस तरीके की प्रोसेस चल रही है वहाँ पर राइट right? तो ये इतना इम्पॉर्टेंट था बट स्टिल नहीं हो पाया तो ये एक लिमिटेशन हो गई देन प्रोसीजरल एंड लिमिटेशंस कि यही जो प्रोसीजर्स की बात हो रहे हैं कि कभी डिसरप्शन चल रहा है तो ये सारे लिमिटेशंस हो गए देन जुडिशल एक्टिविज़म तो जब लेजिलेटिव वैक्यूम क्रिएट होता है ना तो यहाँ पे जैसे विशाखा गाइडलाइंस जहाँ पे वुमेन का जो वर्क प्लेस पर हरासमेंट था एक्सप्लाइटेशन था उसके लिए एक विशाखा गाइडलाइंस इशू की थी जुडिशरी ने क्यों क्योंकि इस पर कोई लॉ पार्लियामेंट ने बनाया ही नहीं था तो इस टॉपिक पे इस मुद्दे पे जो बहुत इंपॉर्टेंट था वुमेन सेफ्टी को लेकर इसमें लेजिस्लेटिव वैक्यूम था तो यहाँ पर जब ये कुछ केसेस सुप्रीम कोर्ट पे गए तो उन्होंने गाइडलाइंस इशू की तो इस लेजिस्लेटिव वैक्यूम को फिल किया गया जुडिशल एक्टिविज़म से जबकि ये बहुत बेकार मतलब जबकि लेजिस्लेशन का काम किसका है लेजिस्लेटिव का है बट स्टिल जुडिशरी को जुडिशल एक्टिविज्म करना पड़ रहा है क्योंकि लेजिस्लेटिव वैक्यूम है तो ये लिमिटेशन है इसकी अभी हम इम्प्रूवमेंट में देखेंगे देन डेलीगेटेड लेजिसलेशन डेलीगेटेड में ये होता है कि जो लेजिस्लेचर का काम है उसे डेलीगेट कर देना किसी और अथॉरिटी को कारण क्या होता है क्योंकि जो हमारे लेजिसलेटिव मेंबर्स होते हैं आप देखते हो कि वो एक्सपर्ट नहीं होते हैं किसी पर्टिकुलर फील्ड के ओके okay? तो जब एक्सपर्टीज़ लैक करती है एक्सपीरियंस लैक करता है तो वो अपने टास्क को आउटसोर्स कर देते हैं डेलीगेट कर देते हैं फॉर एग्जांपल एग्जीक्यूटिव को तो कि, क्योंकि वहाँ पे ब्यूरोक्रेसी है एक्सपर्ट लोग हैं आप लॉ लेकर आइए ठीक है हम डिस्कशन कर लेंगे सो so ये एक बहुत बड़ा लिमिटेशन हो जाता है देन थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर जो सुप्रीम कोर्ट लेकर आई आकेशवानंद भारती केस इसको जरूर मेंशन करना अब यहाँ से लेजिस्लेचर जो लॉ लाएगी तो हो सकते वो अगेंस्ट दी बेसिक स्ट्रक्चर हो बेसिक स्ट्रक्चर को सिंपली मैं बताऊँ तो अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट कुछ ऐसे बेसिक प्रोविजंस हैं फंडामेंटल फिलॉसफी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को कि अगर उनको अमेंड कर दिया गया उन फंडामेंटल पॉइंट्स फिलॉसफी को चेंज कर देंगे तो हमारा पूरा पॉलिटिकल सिस्टम पूरा कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी ही चेंज हो जाएगी तो वो बेसिक स्ट्रक्चर के दायरे में आते हैं कि भाई इनको नहीं चेंज किया जा सकता है जैसे फ़ंडामेंटल राइट्स जैसे फेडरल सिस्टम हो गया आपका ये सारी चीज़ें क्या बनाते हैं बेसिक स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ये कुछ लिमिटेशंस हैं लेजिस्टिव ऑर्गन्स में जो इसके फंक्शंस और रोल को कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करते हैं इम्पैक्ट करते हैं नेक्स्ट अब ये लिमिटेशंस अच्छे भी हैं ख़राब भी हैं दोनों तरीके से ये एक डिफरेंट टॉपिक बन जाता है देन अभी प्रेजेंट में आप देखते हो कि जो लेजिस्लेटिव बॉडी है जो लेजिस्लेटिव ऑर्गेंस है कहीं ना कहीं अपना रेलिवेंस कम हो रहा है इसके जो इसकी जो रोल है डिक्रीज़ हो रहा है उत, जो इतना इम्पोर्टेंट रोल है वो परफॉर्म करने में कहीं ना कहीं लैक कर रही है तो क्यों ये अपना सिग्निफिकेंस लूज़ कर रही है इसे समझते हैं सबसे पहले कि इंस्टीट्यूशंस हमारे अकाउंटेबल नहीं होते हैं टू द पीपल अब हमने अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजा है चुनकर कि आप हमारे इंटरेस्ट को जाकर वहाँ पर उठाइएगा हमारे मुद्दे को फॉर एग्ज़ाम्पल सेफ ड्रिंकिंग वाटर बट हमारा जो एम पी था हमारा जो रिप्रजेंटेटिव था वो किन्हीं और ही चीज़ों में व्यस्त रहा और हमारे मुद्दे को वहाँ पर रिप्रेजेंट ही नहीं किया और यह रिप्रजेंट भी किया गया तो उस मुद्दे को कंसीडर नहीं किया गया एक्नोलेज नहीं किया गया तो फाइनली क्या हुआ उस कॉन्स्टिट्यूवेंसी की पोजीशन वैसी की वैसी ही रही वहाँ पर सेफ ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल ही नहीं करा पाया गया पाँच साल खत्म हो गए फिर से इलेक्शन आ गया राइट right. तो इस तरीके से इंस्टीट्यूशन अकाउंटेबल नहीं होते हैं पीपल्स के या फिर दूसरा कारण है कि आजकल बहुत सारे एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ बना देती हैं राइट right. और यहाँ पर आता है डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ क्यों बनाते हैं क्योंकि हमारे जो मेम्बर्स हैं लेजिलेटिव असम्बली के वो उनमें एक्सपर्ट वो एक्सपर्ट नहीं है उन्हें सब्जेक्ट मैटर का नॉलेज नहीं है फॉर एग्जाम्पल तो वो मैटर किसको दे दिया गया किसी एक्सपर्ट कमेटी को दे दिया गया तो इस तरीके से डेलीगेट हो गया ना फंक्शन फंक्शन काम किसका था लेजिस्लेचर का वो तो कर ही नहीं रही है कोई और कर रहा है तो इस तरीके से सिग्निफिकेंस कम हो रहा है देन कुछ पर्टिकुलर सब सेक्शन होते हैं या इंटरेस्ट ग्रुप होते हैं जो अपनी लॉबी इफेक्टिव कर लेते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल दो कॉन्स्टिट्यूएंसी थी जैसे मैंने दो एग्ज़ाम्पल पहले ऊपर लिए हैं एक पे सेफ ड्रिंकिंग वाटर चाहिए था और एक को एजुकेशन चाहिए थी तो वहाँ पे पब्लिक स्कूल चाहिए थे अब सेफ ड्रिंकिंग वाटर वाले के जो सब जो सेक्शनल ग्रुप हैं या इंटरेस्ट ग्रुप है मान लीजिए कोई यहाँ पे ग्रुप इन्होंने अपनी यूनियन बना रखी है इन्होंने लॉबी कर लिया एग्जीक्यूटिव को और अपना काम करवा लिया एजुकेशन वाले थोड़े से कमज़ोर मार्जिनलाइज्ड सेक्शन या ट्राइबल पीपल थे ये लॉबी नहीं कर पाए क्योंकि इनका यूनियन कोई नहीं था कि अपनी कलेक्टिव वॉइस को रख सके ओके तो इनके इनके उस इंटरेस्ट को नहीं कंसीडर किया गया और इन्हें गवर्नमेंट स्कूल नहीं मिला सिंपल से एग्जाम्पल है राइट right? तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं देन जुडिशल एक्टिविज़म की वजह से अपना सिग्निफिकेंस भाई लॉ मेकिंग काम किसका है लेजिस्लेचर का है बट जब लेजिस्लेटिव वैक्यूम क्रिएट हो जाता है तो उसको फुलफिल करने के लिए जुडिशरी आगे आती है क्योंकि भाई जुडिशरी के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना जस्टिस देना नेचुरल जस्टिस प्रोवाइड करना तो जुडिशरी कुछ कुछ गाइडलाइंस विशाखा गाइडलाइंस का एग्ज़ाम्पल दे सकते हो और भी एग्जाम्पल्स दे सकते हो जहाँ पे जुडिशरी ने एक्शन लिया है जैसे कि इन्वामेंट से रिलेटेड टास्क मुझे अभी आ, रिकॉल नहीं कर पा रही मैं यहाँ पर कुछ था जिसकी वजह से जुडिशरी ने इन्वामेंट से रिलेटेड कोई इशू था उस पर एक्शन लिया था फिर बाद में जाकर लेजिस्लेचर ने उस पर लॉ बनाया था अगर आपको याद आ रहा है तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट करना नीचे ओके तो ये कौन सा मुद्दा था ये मुझे बताना तो ये हो गया फिर डेलीगेशन ऑफ पावर तो समझ ही गए होंगे आप ये इसके दो एक तो एक्सपर्टीज़ वाला कारण मैंने बताया ही जिसकी वजह से डेलीगेट कर देते हैं आउटसोर्स कर देते हैं अपना काम दूसरा टाइम कॉन्स्ट्रेंट आप देखते हो कि हमारे लेजिस्टिव बॉडीज़ में स्पेशली जब इंडिया में हम डिबेट देखते हैं तो क्या देखते हैं कि डिबेट तो हो ही नहीं रही है वहाँ डिसरप्शन हो गया डिबेट बंद करो नारेबाजी हो रही है या कोई भी मैटर चल रहा है मतलब जो एक्चुअल काम करना चाहिए था जो यूटिलाइजेशन करना चाहिए था टाइम को तो किया नहीं फिर बाद में याद आया अरे ये तो बिल पास करना था तो या तो उसको किसी कमेटी को दे दिया गया वो उस पर चेक कर रही है कि सारे प्रोविजंस ठीक हैं रेलेवेंट हैं या नहीं ओके okay? तो ये बहुत बड़ा मुद्दा चलता है देन आप प्रजेंट में हमारी जो लेजिस्टिव बॉडी है लेजिस्लेचर जो ऑर्गन है ये कहीं ना कहीं फेल हो रही है हमारी एग्जीक्यूटिव को अकाउंटेबल ठहराने में अब जब एकाउंटेबल नहीं होल्ड कर पाओगे तो जो हमारी कैबिनेट है जो एग्जीक्यूटिव है ये अनलिमिटेड पावर को यूटिलाइज करने लगते हैं अब दो ऑर्गन हैं ये एग्जीक्यूटिव है ये लेजिसलेचर है, है इसको एग्जीक्यूटिव को अकाउंटेबल कौन होल्ड करेगा लेजिसलेचर बट लेजिस्लेचर तो अपने किसी और काम में ही व्यस्त हैं डिसरप्शन कर रहे हैं नारेबाजी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसके पास अनलिमिटेड पावर हो जाती है अब ये फ़ंड का कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं या अपनी पोजीशन और पावर को कैसे आर्बिट्री मैनर में इस्तेमाल कर रहे हैं ये सारी चीज़ें राइट right? इसके बाद से रोल ऑफ अपोजिशन दिस इज़ द मोस्ट कंसर्न एरिया इन द इन द इन द टॉपिक ऑफ लेजिस्लेचर कि जो अपोजिशन का रोल है वो कहाँ से कहाँ चला गया आप अभी प्रेजेंट में देखोगे कि अपोजिशन का रोल क्या है तो अगर आपके पास स्ट्रोंग अपोजिशन नहीं है तो आप कभी जो हमारा लेजिस्लेचर का काम है जो रेलेवेंस है जो फंक्शन है कभी भी अच्छे से परफॉर्म नहीं किए जा सकते हैं क्यों जब रोल ऑफ भाई गवर्नमेंट तो फिर अपने हिसाब से चीज़ें करेंगी ना जो जो रूलिंग पार्टी होगी उसके हिसाब से चीज़ें चलेंगी भाई अपोजिशन का काम है ना कि गवर्नमेंट से क्वेश्चन करना गवर्नमेंट से इंफॉर्मेशन निकलवाना गवर्नमेंट से क्या करना गवर्नमेंट को अकाउंटेबल रखना गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल रखना अगर अपोजिशन अपना रोल ठीक से नहीं प्ले कर रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है बहुत सा नेचुरल है कि जो रूलिंग पार्टी है वो अपनी मनमानी करेंगे देन लेजिस्लेचर की जो स्क्रूटनी है वो भी वीक हो रही है कहीं कही ना कहीं मतलब अपने जो टास्क हैं कि लॉ स्क्रूटनी uh, uh, करने का उसे नहीं uh, uh, चाहे वो फाइनेंशियल मैटर में हो चाहे वो लेजिस्लेटिव मैटर्स पे हो वो कहीं कही ना कहीं वीक हो रहा है कारण हमने देख लिए तो इंडिया में आप कई एग्ज़ाम्पल दे सकते हो जैसे कि ऑर्डिनेंस रूल अब जब गवर्नमेंट क्या करती है कि अगर उसे डिबेट एंड डिस्कशन को स्केप करना है उससे बचना है तो ऑर्डिनेंस ले आओ जैसे फ़ॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए फॉर्मर रूल पे जो बिल लेकर गवर्नमेंट आई थी हाँ ये भी एग्ज़ाम्पल दे सकते हो जो अभी गवर्नमेंट लेकर आई थी राइट तो फॉर्मर बिल्स पे मान लीजिए कि पता है गवर्नमेंट को कि ये पार्लियामेंट में पास नहीं होगा फ़ॉर एग्ज़ाम्पल फ़ॉर एग्ज़ाम्पल मैं दे रही हूँ यहाँ पे तो गवर्नमेंट क्या करेगी इस पर ऑर्डिनेंस ले आएगी आप, आपको अगर ऑर्डिनेंस नहीं देखा है, तो आप पढ़ लेना थोड़ा बहुत जाकर ऑर्डिनेंस के बारे में राइट तो ऑर्डिनेंस में क्या है कि ये आ गया अब इसमें डिबेट एंड डिस्कशन या पार्लियामेंट में जाने की तो ज़रूरत नहीं है एग्जीक्यूटिव ले आई ऑर्डिनेंस को तो हमने लेजिस्लेचर को बाईपास कर दिया और हमारे इंटरेस्ट सर्व हो गया जो एग्जीक्यूटिव है उसका तो ऑर्डिनेंस बहुत एक मैटर ऑफ कंसर्न है कि ये लेजिस्लेटिव के जो रोल है उसको डिक्रीज़ कर रहा है दूसरा बहुत सारे एडजर्नमेंट मोशन आ जाते हैं सेशन के दौरान कितने सारे डिसरप्शंस होते हैं कि आज की जो डिब्बई आज का जो हाउस है वो बंद होता है यहीं पर हम नेक्स्ट मीटिंग करेंगे या आ, या मतलब कह सकते हो कि अनप्लान्ड जब होता है कि नंबर ऑफ कोई फिक्स्ड नहीं होता कि अगला सेशन कब होगा तो ये डिसरप्शन बहुत ज़्यादा जो इसके रोल हैं जो फंक्शनिंग है लेजिस्लेचर की उसको कही कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करते हैं निगेटिवली रोल ऑफ अपोजिशन इंडिया का देख लिया हमने तो अब इतनी सारी प्रॉब्लम्स है तो हम क्या मेजर दे सकते हैं इम्प्रूवमेंट के सी अब कभी भी आप अपने आंसर को सिर्फ इस आ, इस निगेटिव थिंक के साथ नहीं छोड़ना हमेशा एक वे फॉरवर्ड के साथ अपना आंसर छोड़ना तो कुछ सजेशन आप दे सकते हो कुछ मैंने यहाँ पे थोड़े बहुत मेंशन किए हैं आप अपनी थिंकिंग अपने ब्रेन स्टॉर्मिंग करना वो पॉइंट्स भी मेंशन कर लेना पहला जैसे कि जो ये जो डिस्कशन होता है ये डीप एंड कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन होना चाहिए ऐसा नहीं कि सिर्फ नाम का डिबेट चल रहा है वाकई में आप सल्यूशन ओरिएंटेड होना चाहिए कि नहीं हमें इस मैटर का सोल्यूशन खोजना है जैसे कि फॉर एग्जांपल लोगों को सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर देना है तो देना है मतलब हम कंसर्न हैं इसके लिए कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन होना चाहिए कि भाई हाँ कैसे किया जाए क्या किया जाए राइट right. इसके बाद से जो लोगों के ओपिनियंस इंटरेस्ट हैं या सिटीजन्स की जो नीड है ये पैरामाउंट रेस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स को क्योंकि हमने इसी कारण से तो आपको अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाकर भेजा है तो ये आपकी ज़िम्मेदारी है आपकी पैरामाउंट रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप हमारे ओपिनियंस हमारे इंटरेस्ट हमारी नीड्स को वहाँ पर रिप्रजेंट करें देन ये भी होना चाहिए मुझे लगता है कि मैंडेट्री पर्सनली मुझे ये पॉइंट लगता है अब पता नहीं आप इससे सहमत हैं या नहीं कि पार्लियामेंट के जो वर्किंग आवर्स हैं ना उसे स्पेसिफ़िक कर दिया जाए जैसे हमारी जॉब क्या होती है कि हाँ भाई नौ बजे ऑफिस जाना है या दस बजे ऑफिस जाना है और शाम को वहाँ से पाँच बजे या छः बजे वापस आना है राइट बीच में तो ऐसा नहीं कि हमारी मर्ज़ी आज हम नहीं करेंगे काम तो जो वर्किंग आवर्स हैं क्यों नहीं फिक्स्ड कर दिए जाते क्यों नहीं मैंडेटरी कर दिए जाते कि जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जो एम और एम हैं इनको इतने घंटे काम करना ही है वहाँ लेजिस्लेचर में जाकर पार्लियामेंट में जाकर देन रोल ऑफ अपोजिशन को स्ट्रेंथन करना इसके बाद से जो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बीच में कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है अगर ये कोऑर्डिनेशन मेंटेन हो पाएगा तभी हम कॉन्सेप्ट ऑफ रूल को सही से फ़ॉलो कर पाएंगे ऐसा नहीं कि लेजिस्लेचर अपना अलग जा रही है एग्जीक्यूटिव अपनी अलग जा रही है अगर वाकई हमें डेमोक्रेटिक डेमोक्रेटिक सिस्टम को इम्प्रेसिव बनाना है स्ट्रेंथन करना है तो ज़रूरी है कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बीच में कोऑर्डिनेशन हो कितना भी सेपरेशन ऑफ पावर हो राइट बट कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है ना क्योंकि दोनों के जो फंक्शन है रोल है इंटरलिंक्ड हैं कहीं ना कहीं ओके okay? तो ये आप, आप इसके अलावा आप क्या सोचते हो कि क्या मेज़र्स लिए जाने चाहिए जिससे कि हम अपनी पार्लियामेंट की जो फंक्शनिंग है उसको इम्प्रेसिव बना सके इफेक्टिव बना सके तो मुझे अपने पॉइंट्स अपना ओपिनियन कॉमेंट करना नीचे कि और क्या मेज़र लिए सक, जा सकते हैं आपके अकॉर्डिंग ये तो चलो मैंने मेरा कुछ था ये बहुत ही कॉमन पॉइंट है कि चलो अपोजिशन अच्छा होना चाहिए राइट जो डीप कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन होना चाहिए वर्किंग आवर्स पर्सनली मुझे लगता है आप अपना कोई पर्सनल ओपिनियन मुझे ज़रूर सजेस्ट कर सकते हो हम लोग उसको आंसर में इंक्लूड कर लेंगे ना तो ये अच्छा रहेगा कि अगर आपके कुछ पॉइंट्स वैल्यूएबल पॉइंट्स होंगे सजेशंस होंगे तो हम उससे अपने आंसर में इंक्लूड कर लेंगे देन आप कंक्लूड कर सकते हो कि किस तरीके से हमें पार्लियामेंट सेंट्रल रोल प्ले करती है किसी भी डेमोक्रेसी में और ज़रूरी है कि गवर्नमेंट में चेक एंड बैलेंस बनाना है तो इस पर जो लेजस्लेचर है हमारी इसका कंस्ट्रक्टिव रोल होता है और ये जिम्मेदारी बनती है लेजिलेचर की कि अपना जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है ना उसे कंप्लीट करें राइट अपना फंक्शन इफेक्टिवली करें तो इस तरीके से आप इसे कंक्लूड कर सकते हो तो दिस वॉज़ फॉर टुडे दिस इज़ ऑल फॉर टुडे गाइज बेसिकली एंड यस थैंक्स फॉर वॉचिंग होप्स हो कि रोल ऑफ लेजिस्लेचर इन डेमोक्रेसी आपको समझ आया होगा और रेलिवेंट uh, एग्जाम्पल्स का मैंने एक आइडिया देने में मैं सक्सेसफुल रही होंगी आप आज कि मैं कुछ आपको आइडिया लगा होगा कि हाँ भाई किस तरीके के एग्जाम्पल्स हमें यहाँ देने हैं और होप्स uh, हो so, कि मैं इस चीज़ में भी सक्सेसफुल रही हूँ कि आपको एक आइडिया दे सकूं कि किस तरीके के आंसर्स लिखने हैं और किस 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 तरीके के पॉइंट्स इंक्लूड करने हैं तो ये अंडरस्टैंडिंग होप्स हो कि आपकी डेवलप हो पाई होगी एंड मैं सक्सेसफुल रही हूँ अपने मिशन एंड ऑब्जेक्टिव में सो so, मुझे कमेंट करके फीडबैक ज़रूर देना गाइज़ आपकी फ़ीडबैक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत मायने रखती है सो थैंक्स फॉर वॉचिंग सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो बाय टेक केयर